सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए कि मेरे व्यूज काफी अच्छे आते हैं, तो ऐसा नहीं है ये सिर्फ मेरी मेहनत है, मैं YouTube के हिसाब से काम कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरे व्यूज बहुत ही ज्यादा हाई जाते हैं। तो हाय एवरीवन, मैं हूँ रक्षा और आप देख रहे हैं रक्षा की रसोई टैग। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर के आई हूँ एक नया वीडियो, आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जब भी कोई नया क्रिएटर YouTube पर आता है उसको ये जानकारी नहीं होती है कि YouTube उसे पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहता है, और मैं सच बताऊं तो जो पुराने यूट्यूबर्स हैं जो सक्सेस हो चुके हैं उनसे कहीं ज्यादा नए यूट्यूबर्स को YouTube प्रमोट करता है। वो चाहता है कि उसके प्लेटफॉर्म में नए नए लोग आए और YouTube पर अपना नाम बनाए। कौन नहीं चाहेगा कि उसका प्लेटफॉर्म एक और बड़ा प्लेटफॉर्म बने। इसके लिए YouTube पूरी कोशिश करता है आपको सक्सेस बनाने के लिए। बस कमी कहाँ हो जाती है, आप YouTube को अच्छे से समझ नहीं पाते, क्योंकि YouTube कोई इतना बड़ा ब्रांड है आपको पर्सनली आके नहीं बोलेगा कि आप ऐसा करिए तब मैं आपके वीडियो को वायरल कराऊंगा। वो इनडायरेक्टली सब कुछ बताता है, थोड़ी बहुत नहीं बहुत सारी चीजें आपको बताता है, आपको सपोर्ट भी करता है। तो आज मैं आपको जो ट्रिक बताने वाली हूँ उसमें YouTube खुद बताता है कि आपको कैसे अच्छी व्यूज लाने हैं, कैसे अपने वीडियो को वायरल कराना है। आज मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगी, वीडियो में बने रहिएगा, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज ना आपको मैं रक्षा की रसोई टैग चैनल से सब कुछ समझाने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग हमेशा कहने लगते हो रक्षा आपकी रक्षा की रसोई तो बहुत बड़ी चैनल है, 6 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो जाहिर सी बात है आपका व्यूज तो अच्छा आएगा ही आएगा। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, मुझे उसमें नहीं, जो मेरी नई चैनल है रक्षा की रसोई टैग उसमें मुझे रिसेंटली अभी 2-4 महीने ही हुए हैं काम करते करते, और जिस महीने से मैंने काम स्टार्ट किया था उसी महीने से मेरे व्यूज अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि मैं यही चीजें फॉलो करती हूँ, हमेशा YouTube की बातों को समझती हूँ कि YouTube चाहता क्या है, क्या बताना चाह रहा है और हमें क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। तो ठीक है, आज मैं आपको अपनी दूसरी चैनल रक्षा की रसोई टैग पर ले चलती हूँ और आपको सब कुछ समझाती हूँ। तो चलिए देखते हैं, इसके लिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। इसके लिए सबसे पहले हम आ चुके हैं अपनी चैनल पर, तो कहीं पर भी क्लिक कर देते हैं। तो चलिए मैं सब्सक्राइबर पर क्लिक कर देती हूँ और यहाँ पर खुल जाएगा हमारा। अब आपको जाना है ओवरव्यू के बगल में जो कंटेंट लिखा हुआ है ना, यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आप नीचे देखेंगे लिखा हुआ है हाउ व्यूअर्स फाइंड योर वीडियोस। यहाँ पर पहले तो YouTube आपको ये बता रहा है कि आपके जो वीडियो हैं उनको व्यूअर्स कैसे फाउंड कर रहे हैं। भाई हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि हमारे वीडियोस जो लोग देख रहे हैं उनको दिख कैसे रहे हैं, मतलब एक तरीका भी तो होता है ना कि YouTube में सीधे सीधे दिखने लगते हैं, तो कुछ माध्यम होते हैं वीडियो को किस जरिए से दिख रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला है ब्राउजर फीचर्स, ये 46.8% लोग ब्राउजर फीचर्स के थ्रू हमारे वीडियो को देख रहे हैं। अब ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपको समझना, सभी नहीं लेकिन इम्पॉर्टेंट ये 4 चीज़ें आप जरूर समझ लीजिए। ब्राउजर फीचर्स होता क्या है, कोई भी बंदा जैसे YouTube खोले और उसको तुरंत ही आपका वीडियो दिख जाए, इसको बोलते हैं ब्राउजर फीचर्स। जैसे YouTube खोला और हम वीडियो देख रहे हैं होम पेज पर ही, नीचे करते जा रहे हैं, सॉरी ऊपर करते जा रहे हैं, स्वाइप अप करते जा रहे हैं और आपका वीडियो हमने दिख जाए, तो इसको बोलते हैं ब्राउजर फीचर्स। तो ये सबसे पहले आपको यहाँ पर जाकर के ये चेक करना है कि आपका जो रेशियो है ब्राउजर फीचर्स का सबसे ज़्यादा है या नहीं। तो ये जो ब्राउजर फीचर्स है देखिए सबसे ज़्यादा इसका परसेंटेज है, यानी कि मेरा बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है मेरा चैनल के हिसाब से, ठीक है। अब सेकेंड नंबर पर आता है सजेस्टेड वीडियो। ये क्या होता है, जैसे कोई बंदा कुकिंग की या टैग की किसी और की वीडियो देख रहा है, ठीक, और नीचे आप देखते हैं जब भी कोई बंदा वीडियो वॉच करता है तो नीचे और भी ढेर सारे वीडियोस दिखने लगते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं सजेस्टेड वीडियो, मतलब देख किसी और की राह है लेकिन YouTube ने मेरा सजेस्ट कर दिया कि आप इनका वीडियो भी देख सकते हो, आपका नीचे दिखने लगा है वीडियो, इसको बोलते हैं सजेस्टेड वीडियो, ठीक है। तो इसके थ्रू 15% लोग 15.8% लोग वीडियो देख रहे हैं, यानी कि देखते किसी और का है, जैसे किसी और टैग चैनल का देख रहे होंगे लेकिन नीचे मेरा दिख जाता है, तो 15% लोग जो व्यूवर्स हैं वो इस तरीके से मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अब आता है चैनल पेजेस, ये क्या होता है, मेरे वीडियो को कम्युनिटी के माध्यम से 15.1% लोग वॉच कर रहे हैं, ठीक। अब ये कैसे कर रहे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं किसी दूसरे का वीडियो अपनी कम्युनिटी में शेयर कर देते हैं या आप ही अपनी कम्युनिटी में शेयर कर देते हो, ठीक है, तो इस तरीके से 15.1% लोग
चैनल पेजेस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं। जैसे आप देखते हैं टैग वाली चैनल की वीडियो को मैं रक्षा की रसोई में कम्युनिटी में डाल देती हूँ, तो वहाँ से ऑडियंस आ रही है, व्यूअर्स वहाँ से भी देख रहे हैं 15.1%। तो ये तीन चीज़ें आप समझ गए। चौथा है यूट्यूब सर्च। ये सीधे सीधे है, कोई बंदा यूट्यूब पे जाता है और सर्च करता है रक्षा की रसोई टैग या रक्षा की रसोई, मतलब सीधे सीधे चैनल का नाम डाल करके चैनल पर विजिट करता है, वहाँ से वीडियो को वॉच करता है या आपके वीडियो को सीधे सर्च कर लेता है कि पनीर की सब्जी बाई रक्षा की रसोई, मतलब सीधे सीधे सर्च किया ना उसने आपका नाम डाल करके। तो ये होता है सर्च करके जब कोई बंदा, तो ये चार चीज़ें आप समझ गए। अब अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो और भी चीज़ें आ गई, इन थ्रू भी आपके वीडियोस देखे जा रहे हैं। उसके अलावा भी आप देख सकते हो अदर यूट्यूब फीचर्स, नोटिफिकेशन के थ्रू 13% लोग देख रहे हैं, एक्सटर्नल हो गया, एंड स्क्रीन के थ्रू हो गया, प्लेलिस्ट के थ्रू हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब दिखा देता है। लेकिन हमें इनसे इतना मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ इन चार चीज़ों से। और चार चीज़ों में सबसे ज़्यादा आपको देखना है कि मेरा ब्राउजर फीचर सबसे ऊपर है या नहीं। सबसे ऊपर ब्राउजर फीचर्स होना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं है तो इसको आपको ऊपर लाना होगा, यानी कि ये जो परसेंटेज है आपको सबसे ज़्यादा करना होगा ब्राउजर फीचर्स का, सजेस्टेड वीडियो से भी ज़्यादा ब्राउजर फीचर्स का। क्योंकि सजेस्टेड वीडियो तो तब देखेगा जब किसी और का वीडियो देखेगा, और ब्राउजर फीचर्स में किसी और का वीडियो नहीं भी देख रहा है, सिर्फ यूट्यूब खोल रहा है, कुछ भी देख रहा है बंदा, आपका वीडियो उसको बार बार नज़र आ जाए होम पेज पर ही, ठीक है। तो इसलिए हमें सबसे पहला ज़्यादा ग्राफ जो है वो लाना है ब्राउजर फीचर्स का। अब आप सोच रहे होंगे कि रक्षा ये हमारे हाथ में कैसे हैं, हम कैसे लेके आ सकते हैं, ये तो YouTube करता है। जी नहीं, ये YouTube करता है, लेकिन YouTube ने आप जो सजेशन दिया है तो आपको YouTube की बात माननी है, कोशिश करनी है कि आपको ये ग्राफ, ये रेशियो या ये परसेंटेज आपको बढ़ाना है। वो तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा जो YouTube हमें सजेस्ट करता है वीडियोज़ को कि कैसे वीडियोज़ बनाना चाहिए। हम होता क्या है, हम अपने हिसाब से वीडियोज़ बनाते हैं, जो मर्जी हमें समझ में आता है या जो आइडिया हमारे दिमाग में आ जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको YouTube के हिसाब से काम करना है, ठीक है। YouTube जो आपको सजेस्ट कर रहा है आपको उस हिसाब से अपना कंटेंट बनाना है, अपना वीडियो बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर एक बार इसको इस तरह से खिसका देंगे, और जैसे ही हम खिसकाएंगे तो यहाँ पर लिख के आ रहा है कंटेंट सजेस्टिंग यू। हो सकता है आपके में खिसकाने से ना आए, आप ऊपर नीचे करके देख लीजिएगा, कहीं पर भी आपको ये लिखा मिल जाए कंटेंट सजेस्टिंग यू, ठीक है। तो आप तुरंत ही उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये कंटेंट है, ये आपको यूट्यूब सजेस्ट कर रहा है कि आप इन पर वीडियो बनाइए, यूट्यूब के हिसाब से आप इन पर वीडियो बनाइए। और जब आप इन पर वीडियो बनाएंगे तो यूट्यूब जाहिर सी बात है कि उसको ब्राउजर फीचर्स में दिखाएगा, यानी कि होम पेज में दिखाएगा। अब जैसे मेरी टैग की चैनल है, अगर मैं कुकिंग की करती तो कुकिंग के सारे वीडियो यहाँ पर नज़र आते, तो देखिए टैग वाले वीडियोस नज़र आ रहे हैं। कहा है कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बना सकते हो, एक पैसा नहीं लगाया बस एक सस्ते से फ़ोन से, ठीक है। तो 4.2% यूट्यूब इसको सजेस्ट है। क्या आप भी यूट्यूब पर आना चाहते हैं मेरी तरह, तो ये तो मेरा ही वीडियो है, ठीक है। तो ये भी आप इस टॉपिक पर भी बना सकते हो, बिना खर्चा इस तरह करें वीडियो शूट, ठीक है। नए यूट्यूबर शुरुआती 10 वीडियो बनाए, तो इस तरीके से कुछ आपके भी वीडियोस दिखाएगा, कुछ अदर चैनल के भी वीडियोस ये दिखाएगा। तो आप अपने में जो भी आपकी कैटेगरी की चैनल है, आपको यहाँ से देखना है कि आपके कौन से टॉपिक पे आपको वीडियोस बनाना चाहिए ये यूट्यूब के हिसाब से। तो इस तरीके से अगर आप इन टॉपिक पर या इन कॉन्टेंट पर वीडियो बनाते हैं तो आपका जो वीडियो है वो ब्राउजर लिस्ट में जरूर चला जाएगा। तो यहाँ पर ये रेशियो जब बढ़ता है तो अपने आप ही व्यूज़ बढ़ने लगता है और वीडियो वायरल होने लगता है। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, जैसे ही कोई बंदा यूट्यूब खोलेगा और थोड़ा बहुत नीचे जाएगा आपका वीडियो टकरा जाएगा उसको। अब उसके अलावा भी आपको क्या करना है, उसके अलावा आपको थंबनेल और टाइटल बहुत ही क्लिक वेट वाला डालना है। बंदा देख तो रहा है आपके थंबनेल को, लेकिन अगर उसको इंटरेस्ट नहीं होगा, थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं होगा, टाइटल अट्रैक्टिव नहीं होगा, तो वो स्वाइप अप करके आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए इन दो चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है, थंबनेल और टाइटल बहुत अट्रैक्टिव क्लिक वेट वाले बनाना है ताकि बंदा को टकराए और वो वीडियो को वॉच कर दे। तो देखा फ्रेंड्स आपने, YouTube सब कुछ बताता है। तो वहां पर मैंने आपको दिखा दिया कि आपके जो व्यूवर्स हैं वो किस तरीके से आपके वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो ब्राउजर जो फीचर्स है वो हमारे हाथ में है, हम इस तरीके से YouTube के तरीके से वीडियो कंटेंट बना करके थंबनेल टाइटल अट्रैक्टिव डाल करके अपने वीडियो को ब्राउजर फीचर्स में ला सकते हैं। उसके बाद था सजेस्टिंग वीडियो, जो कि काफी परसेंटेज कम था, 15% था, ठीक है। तो सजेस्टिंग वीडियो हमारे हाथ में नहीं होता है, ये यूट्यूब के हाथ में ही होता है कि बंदा किसी और का वीडियो देख रहा है, हमारा वीडियो नीचे दिख जाता है। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में है ब्राउजर फीचर्स वाला, जो कि इम्पोर्टेंट होता है सबसे ज्यादा। अगर ब्राउजर फीचर्स का आपका ग्राफ बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कि आपका वीडियो भी वायरल
चल रहा है या व्यूज उसमें अच्छा आ रहा है। तो आपको ध्यान देना है सबसे ज्यादा ब्राउजर फीचर्स पर। तो ये थी वो सीक्रेट ट्रिक जो आपको ध्यान रखनी है, और ऐसे ही आपको बेहतरीन वीडियो बनाने हैं सबसे ज्यादा ध्यान देना है थंबनेल पर और उसके टाइटल पर, ताकि यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा ब्राउजर फीचर्स वाले ग्राफ को बढ़ाए और लोग आपकी वीडियो को देखें। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।